गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे आपकी जो बुक है आरओ, उसका गद्य खंड का जो चैप्टर है नमा, जिनकी लेखिका है रजिया सज्जाद जही। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनकी लेखिका का जो लेखक परिचय और जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में समझते हैं। देखिए, रजिया सज्जाद जहीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 फरवरी सन 1917, यानी अजमेर राजस्थान में। इनके बच्चे जो प्रमुख रचनाएं वो है जर्द गुलाब, जो कि उर्दू कहानी संग्रह है, अर्थात ये कहानी उर्दू में है। इनको जो सम्मान मिले हैं वो है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड इनको प्राप्त है। बच्चे, इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 18 दिसंबर 1979। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया जी कहती हैं कि हम अगर दृढ़ संकल्प कर लें, मन में मजबूती ले आए, तो शायद हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारा लिखना ही हमारी क्या है, ताकत है, अर्थात हमें जिंदा कौन रखता है, इन लेखकों को, इनका लिखना। बच्चों, रजिया सज्जाद जही मूलतः जो थी वो उर्दू की कथाकार है, अर्थात ये उर्दू लेखिका थी। एक तरीके से इन्होंने जो भी कहानी संग्रह लिखा है वो किसमें लिखा है, उर्दू भाषा में लिखा है। उन्होंने बीए तक की जो शिक्षा थी वो घर पर ही रहकर प्राप्त करी। उस समय इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था हमारे देश का, तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो शिक्षा ली थी वो कहाँ ली थी, घर पर ही ली थी। और कहाँ तक, बीए तक। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा होती उनकी, यानी कि उन्होंने एमए भी कर रखा है, लेकिन किस सब्जेक्ट्स में कर रखा है, उर्दू लैंग्वेज में कर रखा है। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई। आधुनिक उर्दू भाषा भाषा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी उपन्यास दोनों ही लिखे हैं, लेकिन किस भाषा में, उर्दू में। उर्दू में उन्होंने बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी लिपि में है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया गया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों को सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की कहीं ना कहीं विशेषता है। आपका जो चैप्टर है बच्चों नमक, आइए उसके बारे में रजिया जी से जानते हैं। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी जो है बच्चों, वो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसके बाद उस सरहद के दोनों तरफ जो लोग थे, विस्थापित लोग थे, जो पुनर्जीवन अपना जीवन टटोल रहे थे, उनके दिलों की टटोलती एक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। इसमें एक कैरेक्टर का नाम है सिख बीवी, जो कि अब इंडिया में रहती हैं। पहले वो कहाँ रहती थी बच्चों, लाहौर में, और कहीं ना कहीं लाहौर में ही वो उसको अपना घर मानती थी और अपना वतन मानती हैं, और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। अर्थात उनका ऐसा मानना है, वो सोचती हैं कि काश मुझे वहां से मेरा नमक प्राप्त हो जाए। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की जो इजाजत है वो देते हुए, जिसे ले जाना क्या है बच्चों, गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है कि मेरा वतन तो क्या है, ढाका है। राष्ट्रीय राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनका आर्थिक यथार्थ बन गया है। एक अनचाही अप्रतिकारी बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी।
लाहौर के कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सार गर्वित है कि उनको ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में बच्चों जरूर उठ सकता है कि यह धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति बहुत ही गहरा लगाव है के खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, क्या नई पीढ़ी के आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है नमक। आइए चैप्टर समझते हैं। उनसे बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी, वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी, चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में उड़ा करती थी। सफिया को ऐसा लगा जैसे ही उन्होंने सिख बीबी को देखा उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी माँ को देख रही है, क्योंकि उनकी जो कद काठी थी और उनके पहनने ओढ़ने का जो भी ढंग था वो सब उन्हीं की माँ की तरह था। तो एक बार वो धोखा खा गई थी, उसे लगा था जैसे मेरी माँ है, लेकिन वो कौन थी बच्चों, वो थी सिख बीबी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ बड़ी ही मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा और उनसे पूछा, उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्होंने इन्होंने कई साल से जिन्हें नहीं देखा। किसको, अपने भाई को। सफिया जो थी वो लाहौर जा रही थी अपने भाइयों से मिलने के लिए। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के जो लोग हैं कैसे खूबसूरत हैं। सफिया के पास कौन आके बैठ गई बच्चों, सिख बीबी आकर बैठ गई। उनको लगा क्योंकि उनका भी वतन कौन था बच्चों, पहले लाहौर था लेकिन बंटवारे के चक्कर में उनको इंडिया यानी हिंदुस्तान आना लगा। तो वो सफिया को जाकर बताती है कि हमारा जो लाहौर शहर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नसीफ कपड़ों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे करने के शौकीन होते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं उन्होंने जिंदा दिली लोगों की तस्वीरें उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। कीर्तन हो रहा था जहाँ पर ये दोनों बैठी हुई थी, उस कीर्तन में वहां वे धीरे धीरे यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी कि माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। सफिया ने किससे पूछा, सिख बीवी से पूछा, बहुत साल हो गए। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ हमारी यहाँ पर कोठी बन गई है यानी बंगला बन गया है, हमारा यहाँ पर बिजनेस भी है और सब ठीक ठाक भी है, पर लाहौर की मेरी जो है वो जन्म स्थली है और मुझे लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। कौन कह रहा है, सिख बीबी कह रही हैं। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुनिया आंचल में समा जाते, बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, सड्डा लाहौर। यानी कि वो पंजाबी थी और उनको बहुत शौक था अपने वतन के बारे में बताने का। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुनिया में समा जाते। कीर्तन कोई बच्चों 11 बजे खत्म हो चुका था जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हैं क्या, हुक्म दीजिए मैं ला दूंगी। मैं दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा नमक ला देना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला, जिम खाना किशा में दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारी, उनका बस न चलता तो बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर पाते। जो सफिया थी बच्चों इस समय लाहौर में थी अपने घर परिवार में है, उसके जैसे ही वो पहुंची थी उसके परिवार वाले उससे बहुत ज्यादा देखकर खुश थे, सभी के साथ ये था कि वो कुछ ना कुछ उसको खुश रखने का कोशिश कर रहे थे, पार्टियां हो रही थी, दावतें हो रही थी, मेहमान आके उससे मिल रहे थे, उसके जो बिछड़े दोस्त यार थे वो भी कहीं ना कहीं उससे मिल रहे थे, बहन भाई ये सोच रहे थे कि ना जाने हम अपनी बहन के लिए अब क्या
कर डालें। दोस्तों अजीजों का तो ये हालत थी कि कोई कुछ उसके लिए ला रहा है तोहफे, कोई कुछ उसके लिए ला रहा है। इतना सामान आ चुका था कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखें, क्या करें, कैसे रखें और सफिया उस सामान को कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी कैसे करके ले जाएगी पैक। सबसे बड़ी समस्या थी कि बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था, उसने बादामी कलर की कागज की पुड़िया थी जिसमें लाहौरी नमक था और वो सोच रही थी कि इस पुड़िया को मैं लाहौर से हिंदुस्तान कैसे ले जाऊंगी, क्योंकि नमक ले जाना गैर कानूनी हुआ करता था। सफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। वह चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं क्या? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते क्योंकि गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह थोड़ी सी गुस्सा हो गई, झुंझला गई, मैं हिस्से बिक्रे की बात नहीं कर रही हूँ भैया, आया होगा नमक, मुझे तो लाहौरी का नमक चाहिए जो मेरी माँ ने ही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बहन को बाजी कहा जाता है, आपको कस्टम से गुजरना पड़ेगा और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल गई तो आपके सम्मान की यानी कि आपकी मान सम्मान और इज्जत की चिंदी मिंदी बिखर जाएगी। कस्टम वाले जो है ये कानून जानते हैं। मैं बिगड़कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है, मैं कोई चोरी से थोड़ी ना ले जाऊंगी मैं, या छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखाकर ले जाऊं। तो बच्चों आज आपका चैप्टर यहीं तक है, कल इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।